हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज बीपीएससी की तरफ से 2 बजे एक विज्ञापन जारी होने वाली है, तो देखते हैं कि उन जो विज्ञापन होगी उसमें कौन से बिंदु खास होगी। जो 10 से 11 बिंदु पे चर्चा होने की पूर्णतः संभावना है, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जिस पे आज विज्ञापन में खास रहेगा। कुल पदों की संख्या कितनी होगी, जैसे प्राइमरी मिडिल को लेकर अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कितना सीट है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आज क्लियर किया जाएगा। वेतन मान कितना होगा, पे स्केल होगा कितना, ये इन सब चीज़ों को भी आज क्लियर होगा। शैक्षणिक योग्यता कितनी होगी सारे के लिए, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी टीचर्स के लिए हो या मिडिल टीचर के लिए हो। उम्र की सीमा कितनी होगी, अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट कितनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से चयन किया जाएगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। वैसे जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल सर, उन्होंने अब तक इसकी कोई भी चर्चा नहीं की है पूर्व में, तो शायद नहीं ही होगा। औपचारिक मेधा सूची किस तरीके से बनेगा, मेधा सूची किस तरीके से बनेगा, क्या नियोजित शिक्षक के लिए अलग से बनेगा और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग से बनेगा, ये भी आज चर्चा का विषय रहेगा। आरक्षण किसको कितना मिलेगा, महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस बात की भी चर्चा होगी। शुल्क कितना होगा, फॉर्म का फी कितना होगा, जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए या महिलाओं के लिए। तो देखिए, सामान्यतः तो सामान्य जो जनरल सीट के लिए है वो 750 रुपये होने की संभावना है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ओबीसी और आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये और महिला के लिए भी 200 रुपये होगा क्या। तो जो फॉर्म का फ़ी है उसका भी आज ही डिसीज़न होगा। तो यहाँ पे महिलाओं को अलग से फॉर्म में भी छूट दी जाएगी। और आवेदन की तारीख और अंतिम तारीख क्या होगी, कब से आवेदन की तारीख स्टार्ट होगी और कब तक होगी, इसके बाद आप फॉर्म भरने में अगर गलती हो जाए तो करेक्शन का डेट कब तक रहेगा, इन सब बिंदुओं पे चर्चा होने की आज संभावना है। और जो विज्ञापन निकलेगा, जो भी विज्ञापन का नोटिस होगा उसमें इन सब बातों को लेकर क्लियरेंस होगा और ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कितना किसको फॉर्म में लगेगा, आवेदन की कौन सी तारीख शुरू होगी और कौन सी अंतिम होगी, करेक्शन होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, जो आरक्षण है वो किस तरीके की होगी, और जो वेतन मान का अभी जो चल रहा है चर्चा उस पर भी किया जाएगा क्लियर। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है 7th फेज के, और उसके लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रह सकते हैं और आप जितने भी अपडेट आएंगे उन सबको आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो धन्यवाद।